हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस बहुत टेस्टी, बहुत यमी सी अमृतसरी वड़ी की, आलू वड़ी की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, आलू वड़ी पंजाबी स्टाइल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है वड़ी। ये है उड़द की दाल की वड़ी, जिसको हम बोलते हैं अमृतसरी वड़ी। ठीक है, ये इस तरीके से अंदर से खाली होती है और बहुत स्पाइसी होती है, आप देख रहे होंगे। इसलिए मैं आज जो सब्जी बनाऊंगी इसमें ग्रीन चिली नहीं डालूंगी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्पाइसेस हैं। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको धनिया वनिया सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये है अमृतसरी वड़ी और आज इसकी हम सब्जी बनाएंगे आलू डाल के। तो यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं और इनको थोड़ा मोटा मोटा कट किया हुआ है। अनियन टमाटोज लिए हैं मैंने, दो लार्ज साइज के टमाटोज हैं जिनको एकदम फाइन प्यूरी किया हुआ है मैंने। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्यूरी, बस आज मैंने कर ही लिया है प्यूरी। और ये एक लार्ज साइज का अनियन है जिसको कि मैंने रफली प्यूरी किया हुआ है, छोटे छोटे चंक्स भी हैं इसमें अनियन के। और जिंजर गार्लिक, ये थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसमें से एक चम्मच ही डालूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल चाहिए और डेली वाले मसाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पंजाबी स्टाइल आलू वड़ी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल को होने देते हैं गर्म। और ये जो हमारी वड़ी है इसको हम ऐसे हाथ से दबाएंगे तो ये टूट जाएगी, देखिए। बस इतना ही तोड़ना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। और अब इसको हम करेंगे ऑयल में फ्राई। तो बस ये जो वड़ी है हमारी, इसको ऑयल में डालेंगे और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, वड़ी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, बस आधा मिनट ही और फ्राई करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, वड़ी फ्राई हो गई, अभी बहुत गर्म है। तो अब इसको रखते हैं साइड में और तड़का लगाने की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और जीरे को करते हैं गोल्डन। तो जीरा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और अब एक चम्मच में इसमें जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ। और साथ ही अनियन, और इसको करेंगे फ्राई। दोस्तों, अनियन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें ये जो टमाटो प्यूरी है ये ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। और अब मैं एक कटोरी में मसाले डाल रही हूँ, इनको हम पानी में घोलेंगे। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच रेड चिली और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा किचन किंग मसाला, एक और एक दो चम्मच धनिया पिसा हुआ और एक चम्मच और 1/4 चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट मैंने डाल लिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इनको घोल लूंगी। पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज और टमाटो का मिश्रण है उसने ऑयल को रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम ये मसाले मिलाएंगे और इनको अच्छे से कुक करेंगे। अब अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसालों के पक जाने तक और प्यारी सी खुशबू आने तक इसको करते हैं कुक। बस फ्रेश कोरिएंडर नहीं है तो यहाँ पे मैंने सुखा के रखा हुआ है, तो आज मैं इसी को यूज़ करूँगी सब्जी में थोड़ा सा। और हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पर हम अपने आलू इसमें ऐड कर देंगे। तो बस मैंने इसमें आलू डाल दिया और इन आलुओं को 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में फ्राई करेंगे। उसके बाद
जो हमारी वड़ियाँ हैं हमने फ्राई करके रखी हुई वो वड़ियाँ भी इसी में डाल देंगे। आप सब्जी का कलर देख रहे हैं, लुक देख रहे हैं कितनी प्यारी आ रही है, एकदम ढाबे वाली। तो आलूओं को मैंने भून लिया है 1.5 मिनट तक, और अभी ये जो वड़ियाँ फ्राई करके रखी हैं ये वड़ियाँ इसमें डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसमें ऐड करेंगे पानी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा पानी डाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उड़द की दाल की वड़ी बहुत पानी पीती है। जब ये सब्जी बनेगी उसके बाद ये वड़ियाँ जो हैं फूलेंगी और बहुत सारा पानी पी जाएंगी, तो ये पानी ज़्यादा नहीं है। तो अब इसकी लिड लगाते हैं और इसको 3 से 4 विसल्स आने देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, सब्जी हमारी हो गई है बनकर एकदम तैयार, और मैंने इसको सर्व भी कर दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको रोटी पूरी पराठे राइस किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। देखने में लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग यमी, तो सच में ये बहुत टेस्टी बनती है, और ऑलमोस्ट पंजाबी फैमिलीज में तो वीक में एक आध बार बनी जाती है। तो अगर आपको मेरा आज का अमृतसरी वड़ी का सब्जी का वीडियो आज का अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।